नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर की सभी दर्शकों का स्वागत है। चक्रधरपुर प्रखंड में विभिन्न पंचायतों में इन दिनों आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 2024 का आयोजन हो रहा है। विधायक सुखराम उराव की पूरी टीम कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी भागीदारी निभा रही है और हेमंत सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियां भी पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। गांव तक सरकार पहुंचाने से आम जनता इसका फायदा उठा रही। विशेषकर आबूबा आवास योजना में जगह जगह लंबी कतारें दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा वो विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल में भी लोग पहुंचकर आवेदन कर रहे हैं। आज चक्रधरपुर प्रखंड के जामीद और सिलफोड़ी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दिशुम गुरुजी आशीर्वाद योजना के अध्यक्ष सनी उरा, विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम, जिला परिषद सदस्य मीना जोको, मुखिया मेलानी बोद्रा, जिला झमुमो संयुक्त सचिव प्रदीप महतो ने कार्यक्रम में शामिल होकर आम जनता से मिले और विभाग की स्टॉल में पहुंचकर जानकारी ली। दोनों ही कार्यक्रम में आबुआ विकास योजना के लिए लंबी कतारें देखी गई। कार्यक्रम में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, प्रधानमंत्री बिरसा फसल बीमा योजना, सर्वजन पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जमीन विवाद सहित जातीय आवासीय आय जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के लिए अंचल कार्यालय के पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग आदि द्वारा स्टॉल्स लगाए गए थे। अब आइए देखते हैं किसने क्या कहा। अगर नया आया है तो ऐसा पीएम आवास था। अच्छा। पीएम आवास के बाद अब वो आवास हुआ, अभी अच्छा। पता नहीं और क्या आवास आया होगा। ऐसे सोच के लोग आते हैं, वो लोग आते हैं। अच्छा। और उनका लाभ लेते हैं और अभी तक तो अब वो आवास में लाभ मिला है जी। और अभी और जो टेकिंग सब चल रहा है। और अब वो आवास के अलावा और किन किन योजनाओं के लिए लोग आए हैं? अब वो आवास उसके बाद वो पशुधन वाला। अच्छा। पशुधन वाला उसके बाद आपका जमीन से संबंधित भी है, अंचल का कैंप है, मेडिकल कैंप लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, इधर जलसैया लोग लगे हैं, शौचालय वगैरह, बहुत सारा चीज स्वच्छता के ऊपर। अच्छा। लोग अथर का सब दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इस तरह से पड़े सब वो सब। अच्छा अच्छा, मैंने इस तरह काफी घर बड़ों को सरकारी लाभ से जुड़े हुए हैं और वंचित नहीं हो पा रहे। जैसे सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है सरकारी लाभ। और यहाँ जहाँ तक हम देख रहे हैं, पहले पशुधन योजना से काफी वंचित हो रहा था, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है, अभी सबको मिल रहा है। पहले जानकारी नहीं था इसलिए नहीं मिल रहा। अभी जो है लोग पहुँच रहे हैं और जिन्हें जानकारी नहीं है आप लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। और इसमें हम लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, मुखिया मैडम और आपका गुरु जी आशीर्वाद योजना, गुरु जी के अध्यक्ष सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, पहुँच रहे हैं, सभी प्रतिनिधि हम लोग मिल के सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले इसी उद्देश्य से सब लोग लगे हुए। चलिए, लगभग हम लोग का चौथा है शिविर जो कि हम लोग को विधानसभा में हुआ है। और इस शिविर में इस तरह का हम लोग जितने भी पंचायत स्तर पर डेली का जो शिविर लग रहा है, सभी शिविरों में मतलब बहुत बढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आपने जिक्र किया कि किस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, जैसे अबू आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों का मतलब छूटा हुआ था, तो लगभग ज़्यादातर फिर उसी में दिख रहा है। अच्छा। और मैया योजना हो गया, तो मैया योजना में क्या है कि बहुत सारे लोग आवेदन कर चुके हैं, कर चुके थे आवेदन, तो कुछ कुछ गिना चुना जो है वो आवेदन चल रहा है। तो सारा शिविर यहाँ लगा हुआ है, बिजली से समस्या हो या फिर आपका जल से समस्या हो, मतलब सारा विभाग यहाँ आया हुआ है। लेकिन ज़्यादातर जो देखा जाए तो वो आवास को लेकर ही आवेदन ज़्यादा भरा जा रहा है। और जैसे कि हम लोग का सारे मुखिया मैडम लोगों का मुखिया जो जो मुखिया है या फिर हम लोग का जिला मैडम का सभी लोग पहुँच कर उनके